ये कहानी है मेहंदीपुर नाम के एक गांव की, जहां राकेश पंखे बनाने और बेचने का काम किया करता था। राकेश इतना चालाक था कि दूसरों के घरों की बिजली धीमी कर दिया करता था, ताकि नए नए पंखे सभी उसकी दुकान से खरीद कर जाएं। कई दिन हो गए हैं, बकरा हलाल नहीं किया। क्या कहूँ, कितनों को लूट लूँ जिससे मेरा घर बस जाए। बस एक बड़ी चोरी करनी है, उसके बाद आराम से सुकून की जिंदगी जीऊंगा। राकेश हमेशा ऐसी ही बातें किया करता था। दूसरों का पैसा छीन कर खाने की उसकी आदत बन चुकी थी। इसी में उसका साथ पंकज दिया करता था। अरे यार, कई दिनों से कोई मोटी रकम हाथ नहीं आई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें बस घर की दाल खिचड़ी खाकर ही दिन गुजारने होंगे। अरे मैं तो तुमसे पहले से कह रहा हूँ, चलकर हमारे गांव के जमींदार को लूट लेते हैं। उनको लूट कर क्या फायदा? तुमने सुना है कि नहीं कि उनके घर में अंग्रेजों के जमाने का कूलर रखा हुआ है। ये क्या बकवास कर रहे हो, अंग्रेजों के जमाने का कूलर? ये कैसा कूलर है? चलो चलकर पता करते हैं। राकेश और पंकज भारी गर्मी में जमींदार के घर पर जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि जमींदार के घर में बिजली न होने की वजह से भी एक छोटा सा एंटीक कूलर हवा दे रहा है। अरे आओ आओ बैठो, कहाँ से आ रहे हो? राम और श्याम, मेरे दो अनमोल रतन। यूँ कहे तो हम आपसे ही मिलने आ रहे थे जमींदार साहब। ऐसी कौन सी विपदा आ गई? सब ठीक तो है ना? हम तो आपके कूलर की हवा खाने आए हैं, बहुत सुना है इसके बारे में। ये हुई ना बात, जब भी कोई मेरे कूलर की बात करता है मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। और मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ, जिससे आपका मन अच्छा और ताज़ा हो जाएगा, मुंह का स्वाद एकदम मीठा मीठा हो जाएगा। पंकज और राकेश ने एक नशीली मिठाई जमींदार को खिला दी। उस नशीली मिठाई को खाकर जमींदार गहरी नींद में सो गया। ये जमींदार तो बहुत आलसी निकला, मिठाई का एक हिस्सा खाकर ही बेहोश हो गया। तुम इन सब बातों पर अपना वक्त ना जाया करो, हमारा मकसद कूलर चुराने का है। जल्दी चुरा कर घर ले चलो, किसी ने देख लिया ना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। राकेश और पंकज कूलर को चुरा कर वहाँ से जाने लगे। तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे और एक जोर की बिजली बादलों से उस कूलर पर आकर टकराई। वो कूलर नीचे जमीन पर गिर गया और वहीं एक बड़ा सा कूलर घर बन गया। भाई ये सब क्या हो रहा है, ये छोटा सा कूलर इतना बड़ा घर कैसे बन गया? मुझे बड़ा डर लग रहा है भाई, कहीं कोई अपशकुन ना हो जाए, हमारी जान को खतरा ना हो जाए। इसीलिए वो जमींदार किसी और को कूलर के पास जाने नहीं दिया करता था। हमें इस कूलर के घर के अंदर जाकर देखना ही होगा, जरूर कोई ना कोई बात है, चलो मेरे साथ। और जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें समझ आता है कि उस घर के अंदर रखी सारी चीजें ठंडी और बर्फ की थी। तुम कुछ समझे पंकज, ये घर अब हमारा है, बस हमें इस बारे में किसी को कुछ बताना नहीं है। अब बस आलिशान तरीके से इसी घर में रहेंगे। मैं इतना खुश हूँ कि क्या बताऊँ, इतना अच्छा घर हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, और ये तो असल जिंदगी में हो रहा है। राकेश और पंकज उस कूलर घर के अंदर ही रहने लगे। ये बात पूरे गांव में किसी को भी पता नहीं थी। दूसरे दिन जब जमींदार को होश आया, ये सब क्या हो गया, कहाँ हूँ मैं, मेरा कूलर कहाँ है? ये जरूर उन दोनों दुष्टों ने मेरे साथ किया है, वरना मुझसे मेरा कूलर कोई नहीं ले जा सकता। मैं कुछ समझी नहीं जी, आप कहना क्या चाहते हैं? कल रात मेरे पास पंकज और राकेश आए थे, उन्होंने मुझे नशीली मिठाई खिलाई और मेरा कूलर लेकर चले गए। मुझे उनकी जाने बचानी होंगी, वरना अनर्थ हो जाएगा, मेरा सर अभी तक घूम रहा है। जमींदार अपने घर से हड़बड़ी में अपने कूलर को ढूंढते हुए निकल गया। वहीं वहां पर उसे अंग्रेज चाचा नजर आए। मैंने कहा था ना तुम्हें, वो कूलर श्रापित है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, देख लो आज भागे भागे जा रहे हो। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली कि मेरे घर से कूलर चोरी हो गया है? जब तुम छोटे थे ये तब की बात है, तुम्हारे दादाजी अंग्रेजों के यहाँ गुलामी किया करते थे। लेकिन इससे उस कूलर का क्या लेना देना? तब जाकर उस अंग्रेज चाचा ने असली बात बताई। तुम्हारे दादाजी मेरे परम मित्र थे, गिरधारी लाल,
सुना है आज अंग्रेज कोई पुरानी हवा देने वाली मशीन लेकर आ रहे हैं। मैंने सुना तो है, लेकिन थोड़ी ना हमें वह उस चीज को देखने देंगे। चलो मेरे साथ, मुझे पता है वो सामान कहाँ है। गिरधारी लाल और अंग्रेज चाचा उस कूलर को देखने के लिए अंग्रेजों के एक बड़े से गोडाउन पर चले गए, जहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि एक मायावी तांत्रिक औरत उस कूलर को एक घेरे में रखकर काला जादू कर रही है। अब से जो भी इस कूलर की हवा लेगा वो इस कूलर में समा जाएगा। ये कूलर उस इंसान को अपने वश में कर लेगी और उसको तबाह कर देगी। जितनी ताकत इस कूलर को मिलेगी उतनी ही ज्यादा मेरी ताकत बढ़ेगी। उस तांत्रिक औरत की बात सुनकर अंग्रेज चाचा और गिरधारी लाल दोनों डर गए, लेकिन अंग्रेज चाचा अपने सीखे हुए मंत्रों के बल पर उस चुड़ैल तांत्रिक से मिलने के लिए अंदर चले गए। मैं तुम्हें ये हरगिज नहीं करने दूंगा। अगर तुम्हारे पास काली शक्ति आ गई तो तुम लोगों का जीना दुश्वार कर दोगी। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम दोनों मुझे रोकने आ गए। अब सबसे पहले मैं तुम दोनों को इस कूलर में कैद कर दूंगी। जैसे ही वो तांत्रिक औरत उन दोनों की तरफ बढ़ी, गिरधारी लाल बेहद डर गया, लेकिन अंग्रेज चाचा अपने सीखे हुए मंत्रों को पढ़ने लगे। ओम अग्रम बग्रम त्रयम भुजनम स्वाहा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैंने इस चीज के लिए कई वर्षों तक तपस्या की है। शैतान को न जाने कितने मासूमों की बलि दी है। नहीं। अंग्रेज चाचा ने उस तांत्रिक औरत को उसी कूलर में कैद कर दिया। और तब से लेकर आज तक वो कूलर तुम्हारे घर में था। तुम्हारे अलावा मैं भी उस कूलर की देखभाल करता था। अगर वो कूलर किसी गलत हाथ में चला गया तो हमें कई चीजें भुगतनी पड़ेंगी। चाचा, वो कूलर हो ना हो जंगल में है। मैंने हर तरफ छानबीन कर ली लेकिन कहीं नजर नहीं आया। जमींदार उन्हें लेकर जंगल में जाने लगा और वहाँ जाकर वो देखता है कि वहाँ जंगल के बीचों बीच एक कूलर का घर है, जिसे देखकर वो दोनों दंग रह गए। हो ना हो, ये वही कूलर है। लोगों को बहकाकर उन्हें कैद किया है। उस चुड़ैल की ताकत अब भी बहुत ज्यादा है। इसका कोई उपाय है या फिर सब ऐसे ही कैद होने वाले हैं? उस कूलर पर ये पवित्र गंगा जल छिड़कना होगा, तब जाकर उसका प्रकोप खत्म होगा। जमींदार जाकर अपने घर से गंगा जल लेकर आता है और दूसरी तरफ पंकज और राकेश, जो दोनों की कूलर के घर के अंदर कैद थे, अचानक उन दोनों को गर्मी लगने लगी। मैं बाहर भी नहीं जा पा रहा, आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है? हे भगवान, मुझे बड़ी जलन हो रही है, बहुत तेज जलन हो रही है मुझे। वो दोनों कूलर के घर में फंस चुके थे, लेकिन उनकी चीखें सुनकर वहाँ पर जमींदार और अंग्रेज चाचा आ गए। तुम इस पर जल्दी से गंगा जल छिड़क दो, वरना उन्हें और तकलीफ हो सकती है। जी, मैं ये अभी कर देता हूँ, जैसा आप कहें। अंग्रेज चाचा की बात सुनकर जमींदार ने उस कूलर के घर पर गंगा जल छिड़क दिया, जिससे कूलर का घर ठंडा हो गया और उस चुड़ैल तांत्रिक की आत्मा उस कूलर के घर से बाहर निकल आई। ये तुमने ठीक नहीं किया, मैं दोबारा वापस आऊंगी और तब तुम्हें मजा आएगा। हाँ, पहले जाओ तो दोबारा हम तुम्हें देख लेंगे। वो चुड़ैल तांत्रिक इतना कहकर वहाँ से चली गई। कूलर का घर फिर से ठंडा और आरामदायक हो गया। जमींदार ने अपने कूलर के घर को गांव वालों के लिए जंगल में ही छोड़ दिया। राकेश और पंकज ने भी चोरी चकारी का काम छोड़ दिया और अपने अपने दुकान में मेहनत से काम करने लगे। सारे लोग खुशी खुशी रहने लगे। मीरपुर गांव में बुद्धू रहता है। बुद्धू के माँ बाप नहीं है। बुद्धू के अंदर कोई चालाकी नहीं होने के कारण सब उसको बुद्धू कहते हैं।
बुद्धू गांव के बाहर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान पर काम करता है। बुद्धू सुबह उठा और चाय की दुकान में सबसे पहले सफाई करने लगा। तभी दुकान का मालिक हरिचंद वहां आया। अरे बुद्धू, नागेंद्र नहीं आया? नहीं मालिक, अभी नहीं आया। फिर आज दुकान का सामान कैसे लाए? वो स्पेशल चाय पत्ती तो वही मिलती है जहाँ से तीन खतरनाक रास्ते हैं, और वो सिर्फ नागेंद्र ही ला सकता है। मालिक, उन रास्तों में कोई और क्यों नहीं जा सकता? अरे तू पागल है क्या? उस गांव के सिर्फ तीन ही रास्ते हैं, और पहला रास्ता नदी से होकर जाता है, दूसरा रास्ता आग से भरा है, और तीसरा रास्ता आग के अंगारों से भरा है। फिर नागेंद्र आग में जलता क्यों नहीं है? तू सच में बुद्धू ही है। अरे मूर्ख, नागेंद्र पहले रास्ते से नदी पार करके जाता है, बाकी दो से जाना तो उसके बाप के बस का भी नहीं है। अच्छा चल, मैं अब जा रहा हूँ, और नागेंद्र आए तो मुझे बुला लेना। हरिचंद बुद्धू को जिम्मेदारी देकर चला जाता है। बुद्धू भी चाय बनाने लगा और रेलवे स्टेशन से उतरने वालों को चाय बेचने लगा। नागेंद्र भी आ गया और बुद्धू जल्दी से दौड़कर हरिचंद को बुला लाया। अरे बुधिया भाई, हमारा शेर आया है, इसको एक बढ़िया चाय पिलाओ। बुद्धू नागेंद्र के लिए चाय लेकर आता है। कहिए साहब, कितना माल लाना है? नागेंद्र, तुम्हारी वजह से हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, दूर दूर से लोग चाय पीने आते हैं यहाँ पर। हाँ तो, और क्या ये आसान बात है? मौत के मुंह में पांव रखकर चाय पत्ती लाता हूँ मैं। हाँ, अब जाओ और जल्दी से ले आओ, और सुनो, ये पता किसी को बताना मत कि तुम कहाँ से और कैसे चाय पत्ती लाते हो। मैं चाय पत्ती तो ले आऊंगा, लेकिन मुझको अब 5,000 रुपए चाहिए। इतने पैसे? लेकिन क्यों? जान जोखिम में डालकर जाता हूँ मैं, लेकिन इतने पैसे तो मैं पूरे महीने में भी नहीं कमा पाता हूँ। देखो, अगर आपको आपका बिजनेस चलाना है तो आपको पैसे तो देने ही होंगे, वरना मैं तो जा रहा हूँ। चाहे मेरा काम चले या ना चले, लेकिन इतने ज्यादा पैसे मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इससे तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी और मैं डूब जाऊंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बुद्धू भी वहाँ खड़े होकर सारी बातें सुन रहा है। मालिक, क्या मैं चाय पत्ती लेकर आ सकता हूँ? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने एक कहावत नहीं सुनी क्या? जिसका काम उसी को साजे। तेरे बस में नहीं है ये, तू सिर्फ चाय बना। मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ। मैं पहले से ही अपने बिजनेस के डूबने के लिए परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि उस चाय पत्ती के बिना मेरी दुकान नहीं चलने वाली। अब तू मेरा दिमाग खराब मत कर। हरिचंद भविष्य के बारे में चिंता करते हुए बहुत परेशान हो गया और वहीं जमीन पर ही लेट गया। बुद्धू से अपने मालिक की ये हालत देखी नहीं जा रही है, क्योंकि बुद्धू जानता है कि इस दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं है। मैं दिमाग से बुद्धू हूँ, लेकिन मैं जरूर उस जगह पर जाऊँगा। बुद्धू अपने मालिक को बिना बताए उस गांव की ओर चल दिया, और कुछ घंटे चलने के बाद ही बुद्धू को तीन रास्ते दिखाई दिए। पहला रास्ता सीधा जा रहा है, जिस पर नदी है और बहुत ज्यादा पानी है। दूसरा रास्ता बाएं तरफ से है और उस पर बहुत ज्यादा आग है। जब बुद्धू दाएं तरफ देखता है तो डर जाता है, क्योंकि वहाँ आग के दहकते हुए अंगारे हैं। हे भगवान, ये कैसे रास्ते हैं? मैं कैसे जाऊंगा अंदर? लेकिन मुझे जाना होगा, क्योंकि मैं अपने मालिक की ये हालत नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मैं नदी तैर कर जाऊंगा, और अगर ये नदी मुझे डुबाएगी तो डुबा ले, लेकिन जिसने मुझे बेटे की तरह पाला है, मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। बुद्धू हाथ जोड़कर आंखें बंद करके डरते हुए नदी में कदम रखता है, लेकिन बुद्धू को महसूस होता है कि नीचे कोई रास्ता है। बुद्धू ने आंखें खोलकर देखा कि उसके पैरों के नीचे रास्ता है, नदी के ऊपर एक रास्ता बन गया। बुद्धू ये देखकर उछल गया और उसने आसानी से नदी पार कर ली। जब बुद्धू पत्तियां लेकर वापस आया तो नदी का रास्ता बोल पड़ा। बुद्धू, तुम कल भी आओगे ना? कौन है यहाँ? अरे बुद्धू, मैं जादुई रास्ता हूँ। तुम्हारे ऊपर दया करके मैंने तुम्हारी मदद की है, अब तुम रोज यहाँ आ सकते हो। धन्यवाद जादुई रास्ते, अब मैं रोज यहाँ आया करूँगा। बुद्धू खुशी खुशी दुकान की ओर चल दिया। बुद्धू हरिचंद को बिना कुछ बताए दुकान से भागा था, इसलिए हरिचंद बहुत गुस्से में है और बुद्धू के आने का इंतजार कर रहा है। तभी उसकी नजर मुस्कुराते हुए बुद्धू पर पड़ गई।
बुद्धू को मुस्कुराता हुआ देखकर हरिचंद का गुस्सा और तेज हो गया। उसने एक डंडा उठाया और बुद्धू को मारना चालू कर दिया। कहाँ गया था? मैं जादुई रास्ते से आपके लिए पत्तियां लाने गया था। बुद्धू ने पत्तियां हरिचंद के हाथ पर रख दी। ये देखकर हरिचंद को बहुत हैरानी भी हुई, लेकिन उसको बहुत रोना आया। उसने बुद्धू को गले लगा लिया और अपना बेटा मान लिया। अधिक पैसों के लालच में नागेंद्र ने अपने पेट पर खुद लात मारी थी, इसलिए अब उसने बुद्धू पर नजर बनानी शुरू कर दी और एक दिन बुद्धू को जादुई रास्ते के पास रोक लिया। अरे बुद्धू रुको, तुम इसमें डूबकर मर जाओगे। नहीं नहीं भाई, मैं इसमें नहीं डूबूंगा, ये एक जादुई रास्ता है। बुद्धू ने अपने भोलेपन में नागेंद्र को भी सारी बात बता दी। अच्छा बेटा, बड़े हैवी ड्राइवर हो तुम तो, कुछ तो तुम्हारा करना पड़ेगा। नागेंद्र ने बुद्धू को एक पेड़ से बांध दिया। अरे भैया क्या कर रहे हो? अब तू यही मर, कोई जंगली जानवर आएगा और तुझे खाएगा। नागेंद्र ने जैसे ही नदी में कदम रखा, नदी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और तीनों रास्ते आपस में मिल गए। अब नागेंद्र आग में जलता रहा और पानी में भी डूब गया। कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई और रास्तों से आवाज आई, हम तीनों जादुई रास्ते सिर्फ भोले भाले लोगों पर ही दया करते हैं। जो भी हमारा चालाकी से दुरुपयोग करने की कोशिश करता है, हम उसका यही हाल करते हैं। आओ बुद्धू, चाय पत्ती ले आओ और ये दो मटके भी उठा लो। बुद्धू हीरे जवाहरात से भरे दो मटके लेकर दुकान पर पहुंचा और हरिचंद ने एक महीने में ही एक बड़ा होटल खोल लिया, जिसमें वो चाय उसकी ब्रांड बन गई और बुद्धू की भी शादी हो गई। बुद्धू अभी भी जादुई रास्तों की सहायता से चाय पत्तियां लेकर आता है, जिसकी वजह से दूर दूर उसकी ख्याति फैल गई। एक शहर में रवीना अपने मम्मी पापा के साथ रहती है। रवीना के पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं। रवीना बहुत अमीर लड़की है और उसकी पढ़ाई शहर के बड़े स्कूल और कॉलेज से हुई है, जबकि उसके चाचा गांव में रहकर खेती बाड़ी करते हैं। उनकी भी एक बेटी है जिसका नाम सिमरन है। सिमरन की पढ़ाई गांव में ही हुई है। रवीना की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब उसकी शादी है, इसलिए वो गांव से एक महीने पहले ही सिमरन को बुला लेती है ताकि वो घर के काम संभाल सके। सिमरन, योर मोस्ट वेलकम इन आर लग्जरी हाउस। ओह, शायद तुम नहीं समझी हो, मैं बोल रही हूँ कि हमारे बड़े से घर में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू दीदी। हाँ हाँ जरूर, अब तू आ गई है तो सब सीख ही जाएगी। वैसे तूने गांव में इंग्लिश बोलना तो नहीं सीखा होगा, और तेरे पापा ने तुझे सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया होगा। दीदी, गांव में सरकारी स्कूल ही होते हैं। हाँ हाँ मैं समझ गई, वैसे भी औकात नहीं है तुम लोगों की कि प्राइवेट स्कूल में जा सको। दीदी अंदर चलें? हाँ हाँ जरूर। रवीना सिमरन को अंदर लेकर चली जाती है और सिमरन के गरीब होने के कारण उसको खूब ताने देती है। सिमरन यहाँ सारा दिन काम करती है और फिर इनके ताने भी सुनती है, इसलिए सिमरन को आज रोना आ गया। पापा ने मुझे कहाँ भेज दिया, और मम्मी ने कहा है कि किसी को उल्टा जवाब नहीं देना, और ये रवीना तो अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया कि अपनी बहन भी मजाक बना रही है। तभी बाहर से रवीना आ जाती है। सिमरन, तुम अभी बिजी हो क्या? नहीं नहीं दीदी, मैं तो बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, मैं तो फ्री हूँ। चलो तो फिर मार्केट चलते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, कुछ ढंग का पहन लेना। दीदी, मेरे पास तो सलवार सूट ही है, मैं इसके अलावा क्या पहनूं? अरे यार, तुम गांव के लोग भी ना, ना जाने क्या क्या पहनते हो। चलो कोई नहीं, वही कपड़े पहन लो, मैं बाजार से तुम्हें कोई टॉप दिलवा दूंगी। रवीना बाजार में सिमरन को लेकर शादी की शॉपिंग करने चली जाती है। रवीना सिमरन को लेकर सबसे पहले लहंगे की दुकान पर जाती है। मुझे तो ये लहंगा पसंद आ रहा है, इसकी कीमत पूरे 50,000 है। हाँ दीदी, ये देखने में भी बहुत सुंदर है। हाँ लेकिन
तू सिर्फ इसके ख्वाब ही देख सकती है, क्योंकि तेरी शादी भी सूट में ही होनी है। चलो ना दीदी, कहीं और चलते हैं। अरे ये मेरी शादी की शॉपिंग हो रही है, ऐसे होता है क्या? कितनी जल्दी आओ और चले जाओ। ये शहर के बड़े बिजनेसमैन की बेटी रवीना की शादी है, किसी गांव के किसान की नहीं। दीदी आप हर बात पर मेरे पापा की बेइज्जती क्यों करती हो? ओह बाबू को बुरा लगा? सॉरी बच्चा, मुझे पता नहीं था कि तेरे पापा के पास तो मर्सिडीज है और मैंने बैल बुग्गी बता दी। चल अब आजा, मैं तुझे भी कपड़े दिलवा देती हूँ, नहीं तो फिर मेरे दोस्त आ जाएंगे। नहीं मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तुझे कुछ नहीं चाहिए तो अब मैं अपनी बाकी की शॉपिंग कर लेती हूँ। ले ये लहंगे का बैग तू पकड़ ले। सिमरन लहंगे का बैग पकड़कर चुपचाप चलने लगती है, लेकिन तभी रवीना की दो फ्रेंड्स भी आ जाती हैं। वो लोग काफी देर तक बातें करते हैं, तभी उसकी एक फ्रेंड बोलती है, रवीना ये कौन है? यार आप लोग भी ना देख कर नहीं पहचान सकते, उसके कपड़े देखो, नौकरानी है वो मेरी, आज साथ ले आई ताकि मेरी हेल्प हो सके। हाँ यार नौकरानी हो अगर तो कितना इजी हो जाता है ना सब करना। उनकी बातें सिमरन भी सुन लेती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। सिमरन सोच लेती है कि वो अब इस शहर में बिल्कुल नहीं रुकेगी। दीदी मैं अपने गांव जा रही हूँ। हाँ हाँ चली जाना, मैं क्या तुझे रोक रही हूँ, लेकिन आज आज और रुक जा क्योंकि लड़का मुझसे मिलने आ रहा है, बस तू छोटी बहन होने के नाते आज मेरी हेल्प कर दे। ठीक है आज आज रुक जाती हूँ, लेकिन कल नहीं रुकूंगी। अगर तेरा यहाँ मन नहीं लग रहा तो मैं खुद तुझे छोड़ आऊंगी, वैसे इस घर में तेरे लिए मौज ही मौज है, कुछ कमी तो है नहीं। सिमरन रवीना की बात मान जाती है और शाम को लड़का विजय भी आ जाता है। सिमरन उसकी खूब देखभाल करती है। विजय चला जाता है और मंगनी की डेट भी फिक्स हो गई है, लेकिन सिमरन अपने घर नहीं गई और वो रवीना के पास ही रुक गई। फिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था और रवीना के पापा ने बहुत अच्छी तैयारियां की। गांव से सिमरन के मम्मी पापा भी आ गए। अंगूठी पहनाने की रस्म शुरू हुई। मैं रवीना को अंगूठी नहीं पहना सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सभी लोगों के सामने ऐसे बात करने की? क्या तुम जानते नहीं कि मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मना कर रहा हूँ। मैं सिमरन से शादी करूँगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम उसको जानते भी हो? मैं तुमसे पहले सिमरन को ही जानता था, और हाँ ये सारा खेल हमने तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए ही किया है। तुम पैसों से अमीर हो लेकिन तुम धूल के बराबर हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है और सिमरन सिर्फ पैसों से गरीब है, जबकि उसका दिल बहुत बड़ा है और वो गांव के सभी बच्चों को रोजाना फ्री में पढ़ाती भी है। उसका गांव में स्किल डेवलपमेंट का एक कोचिंग सेंटर है और वो भी बिल्कुल फ्री है। हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, बस तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए ये सब कुछ किया है। विजय और सिमरन की शादी हो जाती है और रवीना का घमंड चूर चूर हो जाता है।